स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 36। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 3y एंड चॉइस चूज द राइट आंसर। तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये चारों में से कोई ना कोई आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपके लिए सेल्फ के लिए, तो आप खुद करोगे। देन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अभी इससे पहले हम लोग ने किया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपको इस चारों में से कोई आंसर मिल जाएगा, ये भी आपको सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा 6 के 6 इक्वेशन मैं सॉल्व करके दूँ। तो प्रैक्टिस सेट 36 का क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट वन आपको एक काम करना है, यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 9/2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2, राइट। तो 4x इज इक्वल टू, देखो डिवाइडर सेम है तो आप डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हो। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8, 8 अपॉन क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 के टेबल में 8 आता है, यस, 2 1 2 2 2 4 8, मतलब क्या मिला आपको, 4x इज इक्वल टू 4 मिला। अगर 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो 4 के टेबल में 4 आता है, तो 4 1 जा और 4 1 जा, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 1। देन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 10 इज इक्वल टू 2y+5, ये नंबर है ये नंबर है, तो नंबर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2y, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो प्लस था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो क्या होगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2y। फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो 2 के साथ y क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या होगा, 5/2 इज इक्वल टू वाई। सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू, अगर ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आपको पता है 5 का आधा, 2 से डिवाइड करना मतलब आधा, तो 5 का आधा क्या होता है, 2.5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। देन थर्ड वन अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है, 6x-1 3x+8, तो ये x है ये x है, तो हम इसको इसके तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि इट इज अ ग्रेटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6x यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस, ओके, और यहाँ पे ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 6x-3x हो जाएगा 3x और 8+1 हो जाएगा 9, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ पे आंसर फिनिश। देन क्वेश्चन नंबर 3, अभी यहाँ पे देखो ये नंबर है ये नंबर है, तो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5m इज इक्वल टू 1+4, बराबर, क्योंकि माइनस था, तो 5m इज इक्वल टू 1+4 क्या हो जाएगा, 5। तो 5 1 जा 5 1 जा, सो देयर फोर एम इज इक्वल टू 1, ये हो गया थर्ड वन, ओके। अभी सॉल्व करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2n ब्रैकेट, और ये ऐसी ही है, तो पहले हम उस ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x-2 4 जा 8, और यहाँ पे 4x+2 एज इट इज। अभी ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे और ये नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -8, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस। यहाँ पे कौन है, 4x, और यहाँ से शिफ्ट कौन होगा, 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस, यहाँ पे ये प्लस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस मतलब हो जाएगा 10, और दिस नंबर इज ग्रेटर, तो साइन विल बी माइनस, एंड 4-2x दैट इज अ 2x, बराबर। तो अभी 2 के टेबल में 10 आता है, यस, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा, और माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ओके। अभी सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड प्रॉब्लम, मैं आपको एक सॉल्व करके दूंगा, तो 5th 6th 7 आप अटेंड करना चाहते हो तो करोगे, नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये आपको आना चाहिए, इसलिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। राकेश
age is less than Sania age by 5 years. The sum of their age is 27 years. How old are they? मतलब ये दोनों कितने साल के, ये हमें अपने को फाइंड आउट करना है. तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में क्या बोला, राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाय 5 years. तो पहले हम लोग लेंगे कि राकेश का एज, लेट दैट मीन्स सपोज राकेश एज विल बी 6 ईयर ओल्ड. हम सपोज करेंगे कि राकेश का एज क्या है, 6 ईयर है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो फर्स्ट आपको कंडीशन क्या दिया है कि राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाय 5 ईयर्स. मतलब क्या है, राकेश का जो एज है वो सानिया से 5 साल से कम है. कम है मतलब राकेश छोटा हुआ, मतलब सानिया बड़ी हुई. तो अभी अभी यहां पे मुझे अगर लिखना है कि सानिया एज, सानिया एज इज, सानिया का एज क्या हो जाएगा, अगर राकेश से सानिया बड़ी है तो राकेश का एज एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 ये हो जाएगा. तो ये कंडीशन है, तो ये हो जाएगा सानिया एज इज एक्स प्लस 5. ठीक है, तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एज, मतलब हम दोनों इसका प्लस करेंगे ना, मतलब उनके एज का प्लस करेंगे, ये और ये, तब उनका एज हो जाएगा 27, ये बोला हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, राकेश का एज है एक्स, और उसके बाद इसका प्लस करेंगे एक्स प्लस 5 सानिया का, तब उनका टोटल हो जाएगा 27 ईयर. अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 5 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 27, राइट. तो अभी आप ये नंबर है तो इधर जाके क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट. तो क्या होगा, 2x, तो 27 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू 27 माइनस 5 22, तो 2 1 जा और 2 11 जा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 11. और x मतलब किसका एज है, राकेश का. तो राकेश कितने साल का हुआ, 11 ईयर. तो देयरफॉर एज ऑफ राकेश इज 11 ईयर ओल्ड. ओके, और अभी क्या चाहिए, सानी का. तो सानी का क्या क्या, एक्स प्लस 5, और एक्स मतलब क्या है, 11. तो एज ऑफ सानी का आया, सानिया इज 11 प्लस कितना आ जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 16 ईयर ओल्ड. ओके, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश, और चैप्टर भी फिनिश. ओके.